फिटनेस बैंड आज की तारीख में जो है वो एक फैशन जैसा हो गया है। हाथ में घड़ी हो चाहे ना हो, लेकिन हाथ खाली नहीं लगना चाहिए, हाथ में कुछ ना कुछ जरूर से होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि क्या Xiaomi का HRX बैंड सेम कीमत में अच्छा है या फिर Lenovo का पाई। जी हाँ, Lenovo का जो है वो HW02 नाम का एक बैंड है, या फिर आप उसको Lenovo पाई के नाम से जान सकते हैं। नमस्कार, शर्मा जी टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Lenovo की पाई को मुझे यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। ये छोटा सा बॉक्स है और इसकी जो कीमत है वो 1299 रुपये है। अमेजोन पे आप इसको जो है वो ले सकते हैं और ये HRX बैंड से जो है वो स्पेसिफिकेशन वाइज और ओवरऑल यहाँ पर बढ़िया है। फटाफट से देखते हैं कि क्या है यहाँ पर चीज़ें इसमें खास। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑरेंज में और ग्रे ब्राउन यानी कि डार्क ब्राउन कलर में जो है दिया गया है। यूनिबॉडी डिज़ाइन है, यानी कि सिंगल यहाँ पर बैंड है। ऐसा नहीं है कि Xiaomi कितना बैंड जो है बाहर निकलेगा फिर चार्ज होगा, तो सिंगल यहाँ पर जो है कनेक्टिविटी बैंड दिया गया है। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर चार्जिंग डॉक्स हैं, उसके ऊपर हार्ट रेट सेंसर के यहाँ पर जो है वो दी गई है लोकेशन, और उसके ऊपर यहाँ पर जो है वो लिखा गया है मॉडल HW02 प्लस। और इसमें आपको यहाँ पर जो है वो डबल जो है वो लॉकिंग सिस्टम मिलता है। आपकी जो भी ग्रिप है उसके हिसाब से आप इसको जो है वो दो पॉइंट्स में लॉक कर सकते हैं, जिससे आपको ग्रिप जो है बढ़िया मिलती है। बैंड के अंदर आपको यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले दिया गया है, यहाँ पर जो है टैप सिस्टम है। आप टैप करेंगे सबसे पहले आपको जो है टाइम दिखाई देता है, उसके बाद में आता है पाई। पाई क्या है वो अभी आपको बताएंगे यहाँ पर थोड़ी देर में। उसके बाद में आपको दिखाता है स्टेप्स कि कितने स्टेप्स आपने दिन में जो है वो चले हैं। उसके बाद में बताता है आपके कितनी कैलोरी बर्न की है। उसके बाद में आपको दिखाएगा हार्ट रेट, यानी कि अगर आप लाइव मॉनिटर करना चाहते हैं तो अपने हाथ पे लगाइए और इसको जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद में आता है यहाँ पर बैटरी का स्टेटस कि बैटरी जो है वो कितने लेवल पे है। हालांकि परसेंटेज नहीं शो होता है, ओवरऑल यहाँ पर बैटरी जो है वो शो होती है। बात करते हैं यहाँ पर इसकी पाई की, तो पाई यहाँ पर जो है पर्सनलाइज एक्टिविटी इंटेलिजेंस है और यहाँ पर वो आपको एक स्कोर देता है। जैसे यहाँ पर अभी मेरा स्कोर जो है 96 आ रहा था, उसका मतलब ये है कि आप अगर हेल्दी पूरे दिन का जो वर्कआउट है आपका उसको जो है मॉनिटर करता है और उसके बाद में आपको एक स्कोर देता है। तो अगर आपका स्कोर जो है 100 से ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छा है आपकी हेल्थ। मेरा तो 96 है, मतलब ठीक ठाक है, बॉर्डर पे ही है, लेकिन इतने भी खराब जो है वो नहीं है। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो बॉक्स में आपको यहाँ पर जो है एक बैंड मिलता है Lenovo पाई सब कुछ उसके अंदर। उसके बाद में आपको एक पाई का जो है यहाँ पर छोटा सा लीफलेट दिया गया, उसके बाद में आपको एक वारंटी का नोटिस दिया गया और यहाँ पर आपको जो है एक चार्जिंग केबल दी गई है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। नॉर्मल ए टाइप USB इसको आप लगा सकते हैं और पीछे यहाँ पर जो है ये मैग्नेटिक कनेक्टर है, इसको आपको जो है वो इसमें कनेक्ट करना है जिससे पूरा पूरा कनेक्ट हो जाएगा प्रॉपरली और उसके बाद चार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। चार्जिंग यहाँ पर इंडिकेशन भी आता है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बॉक्स के पीछे आप देखते हैं यहाँ पर लिखा गया है पाई इन्फॉर्मेशन नोटिफायर पेडोमीटर स्टेप स्लीप काउंटर हार्ट रेट मॉनिटरिंग और वर्किंग टाइम की बात करें तो 5 से 10 की जो है बैटरी चल जाती है ऐसा यहाँ पर बताया गया है। मेरे यूजर्स में लगभग 7 से 10 चलती है। अगर आप ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट करके नहीं रखते हैं सारा दिन तो ज़्यादा चलती है, और अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट करके रखेंगे तो मुश्किल से 3 से 4 दिन चलेगी क्योंकि नोटिफिकेशन आपको जो वो बहुत मिलेंगे। कनेक्शन का जो टाइप है 4.2 ब्लूटूथ है। यहाँ पर डिस्प्ले जो है 0.42 इंचेस का जो है OLED बोला गया है यहाँ पे, और वाटरप्रूफ है, IP67 का सर्टिफिकेशन भी है। 60mAh की बैटरी है, 60mAh की बैटरी जो कि आराम से आपका 7 से 10 चल जाती है। ऑपरेशन टाइप मैंने बताया आपको टच वाला है, यहाँ पर USB मोड चार्जिंग है और सपोर्ट जो है वो एंड्रॉइड के 4.4 और 8.0 iOS के ऊपर में करेगा। यहाँ पे आपको Lenovo स्मार्ट ब्रेसलेट आपको जो है सर्च करना है या फिर आप Lenovo हेल्दी सर्च कर सकते हैं, तो ये वाली जो है एप्लीकेशन है आपको डाउनलोड करना है और सिंक करना यानी कि ऐड करना जो है बहुत ही आसान है। बस यहाँ पर आपको जो है अपनी लोकेशन जो होती है GPS उसको सेलेक्ट करके ऑन रखना होगा। तो यहाँ पर मैं जो फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ। 2000 years later यहाँ पर जो है वो सिंक स्टार्ट हो गया, और जैसे ही सिंक स्टार्ट होता है तो आपके बैंड में जो है वो एक तीर ऊपर की तरफ और एक तीर नीचे की तरफ कुछ इस तरह से जो आना शुरू हो जाता है। तो फटाफट से सिंक होते आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है पहले पेज पे आपको मिलता है पाई का स्कोर 96 है फिलहाल का स्कोर। स्टेप्स की बात करेंगे तो 2053 है कैलोरी है, और स्लीप का रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है वो सिंक हो रहा है अभी बताएंगे आपको, और केजीज वेजीज ये सब जो है वो यहाँ पर मिलता है मेरा वेट वगैरह। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप डाल सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे जाएंगे राइट साइड में जो 3 लाइनें दिख रही हैं ये सिंक होने के बाद में आपको दिखाई देंगी। जब तक ये सिंक होता है तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि Lenovo ने एक और यहाँ पर प्रोडक्ट भेजा है जिसको वो बोलते हैं Lenovo का वेइंग स्केल, यानी कि ये वेट मशीन है। आप इसको जो है वो वेट मेजर कर सकते हैं अपना, और साथ ही साथ जो है वो ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं अपनी ऐप के साथ में। और अगर आप डेली रेगुलरली सिंक करेंगे यानी कि रोज वेट चेक करेंगे अपना, तो वो वेट जो है आपकी ऐप में कनेक्ट हो जाएगा, तो आपको बताएगा कि आज आपने इतना गेन किया इतना लूज़ किया ऐसा कुछ। ठीक है, ग्लास बॉडी का डिज़ाइन है तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, और इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है जी, आपको जो है अपनी ऐप के राइट साइड में यहाँ पर जो 3 बिंदु उस पर क्लिक करना, उसके बाद में आपको मिलता है आपका नाम, उसके बाद में आपका स्केल है, बैटरी कितने परसेंटेज है वो यहाँ पर दिखता है, उसके नीचे आपको दिखता है HS10 यानी कि ये जो वेइंग स्केल दिखाया था ये भी यहाँ पर जो है इसमें मैप हो गया है।
ये सब चीज़ें हैं। आप HW+ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ डिटेल मिलती हैं कि गोल क्या है आपका, सिक्योरिटी रिमाइंडर वगैरह आप यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकते हैं और बाइंड अनबाइंड यहाँ से जो है वो डायरेक्टली कर पाएंगे आप। अब चलते हैं वापस से इंटरफेस के अंदर। तो ये जो है वो मेरा इंटरफेस है, आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं 96 Pi है और मैं जो है इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मेरा स्कोर जो है वो मोस्टली कम ही रहता है, बड़ा ही आलसी टाइप का इंसान हूँ मैं। और यहाँ पर जो है मेरा स्टेप काउंटर है, अगर मैं आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री मिलती है, तो ये बताती है कि आपने जो है कितने स्टेप यहाँ पर चले हैं। कल मैंने चले थे लगभग 5000, उससे पहले चले थे 15 तारीख को 5600 इस तरह से। और जब मैं गया था वहाँ पर, कहाँ पर गया था, स्पेन गया था, हालांकि स्पेन का डेटा इसमें मिस नहीं है, पहले वाली अगर ऐप में होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, तो वो डेटा जो है सिंक करते रहो टाइम टू टाइम वरना जो है वो मिस हो जाता है यहाँ पे। इसके अलावा आप यहाँ पर जो है और भी डेटा देख सकते हैं। स्लीप काउंटर, तो मैं जो है वो 6 घंटे ही सोया था आज, बस और सोना है मेरे को ठीक है। और उसके बाद में आपका हार्ट रेट है, हार्ट रेट यहाँ पर जो है वो दिखा देता है, लेकिन हार्ट रेट जो है वो थोड़ा सा गिमिकी टाइप है। वो कैसे है कि अगर आप जो है ये देखो सामने आपको दिखाता हूँ, ये मैं कंपेरिजन किया था मैंने गियर फिट के साथ में, कि आप दोनों को जो है हवा में रख दो और दोनों का जो है वो हार्ट रेट चालू करके देखो तो आपको दिखाई देगा थोड़ी देर के बाद कि लिनोवो के पाई में है ना कुछ हार्ट रेट आपको दिखा दिया है, जबकि फिट प्रो ने बोल दिया है कि नहीं साहब ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है ठीक है। तो ये जो है वो हार्ट रेट की सिंकिंग है दिल को तसल्ली देने के लिए ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप जो इसको जरूर से चेक कर सकते हो, वरना ये थोड़ा बहुत इसमें 15-20% जो करेक्शन रहता है अगर आपने अपने हाथ में अच्छी तरह से को बांध भी रखा है तो भी। बात कर लेते हैं इसकी प्रोज एंड कॉन्स की। तो यहाँ पर इसका जो डिज़ाइन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिबॉडी या सिंगल पीस डिज़ाइन है, आपको अलग अलग टुकड़े नहीं है, जबकि HRX बैंड की बात करें या मी बैंड 2 की बात करें या 1 की बात करें तो आपको जो मेन पीस है उसको बाहर निकालना पड़ता है चार्जिंग के लिए, जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्टली मैग्नेटिक क्लिप कर सकते हैं। मेरा जो मी बैंड 2 था उससे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, बार बार निकालने और डालने से अंदर जो है वो बहुत लूज हो जाता था, और अगर आप हल्का सा अपने हाथ को आपके हाथ की कोनी को यूं भी करते थे ना तो बाहर निकल के जो है वो आ जाता था, और इसी वजह से मेरा जो मी बैंड 2 था वो निकल के कहीं गिर गया और मुझे मिला भी नहीं वापस से। तो इस तरह से है, बैटरी यहाँ पर अच्छी है। अगर हाईफाई बैंड की अगर आप बात करते हैं, बहुत सारे जो फिटबिट वगैरह आते हैं मुश्किल से 3-4 दिन चलते हैं वो, या सैमसंग की बात करते हैं 2 या 3 दिन चल पाता है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो बैटरी है वो 7 से 10 दिन की है, डिपेंडिंग कि आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके ना रखें 24 घंटे, अगर रखेंगे तो आपको 2 से 3 दिन वही मिलता है। कॉन्स की बात करें तो स्क्रीन की जो विजिबिलिटी है आउटडोर के अंदर, यानी कि फुल रोशनी है, सनलाइट है, तो बिल्कुल भी नहीं दिखता, आपको हाथ लगाना पड़ेगा, छाया देनी पड़ेगी, तब जाके आपको दिखाई देगा। और जो ये वेइंग स्केल है वो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है, अगर आपने वेट को बहुत ध्यान से मॉनिटर करते हैं, रोज चेक करते हैं खाने के बाद पानी पीने के बाद कितना बड़ा कितना घटा, तो आप जरूर से इसको देख सकते हैं, और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी आप इसको जो चेक कर सकते हैं। तो बस ये था हमारी तरफ से लिनोवो के पाई का और लिनोवो के वेइंग स्केल का एक रिव्यू, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और ये लिनोवो के HRX बैंड से बेटर है, मी बैंड 2 से भी बेटर है अगर हर ट्रेड को यहाँ पर काउंट ना किया जाए। नोटिफिकेशन भी आपको इसमें मिलते हैं अगर आपने सिंक ऑन कर रखा है अपने ब्लूटूथ फोन के साथ में, तो कोई भी फोन आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है व्हाट्सएप का, फेसबुक का, सभी के सभी आपको नोटिफाई इसमें मिलेंगे आपके बैंड के ऊपर। शमाजी टेक्निकल के इस वीडियो को देखें, बहुत धन्यवाद, आप बने रहे हमारे साथ और बोलते रहिए पाठ माता की जय।